बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आसान और झटपट डबल चॉकलेट मफिन्स की रेसिपी, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं और बहुत ही मज़े की टिप्स जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले हमने एक पतीले में कुछ मार्बल्स या कुछ छोटे स्टोन्स डालकर उसे प्री हीट होने के लिए दरमियानी आँच पर रख देना है। पतीले में बेकिंग ओवन से भी ज़्यादा अच्छी होती है, तो ट्राई कीजिएगा। हमने सबसे पहले क्रीम ले ली अपनी 1 कप, उसमें हमने 2 लेमन्स या 2 लेमन का जूस ऐड कर दिया, तो ये हमारी सावर क्रीम बन जाएगी। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। हमने इसको डालकर मिक्स कर लिया। अब हम एक बर्तन में सबसे पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले 2 कप मैदा, 2 कप आपने लेवल लेना है, अब 1/2 कप कोको पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और छन जाए तो हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो जैसे ही हमारे मफिन्स ओवन से निकलते हैं तो आपने उन्हें एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर देना है ताकि उनका मॉइस्चर लॉक हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी और 1 पिंच नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो हमने कहा, आपको बताया था कि आपने जैसे ही ओवन से आपके मफिन्स निकलते हैं तो आपने उन्हें फ़ौरन ही किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के बंद कर देना है। उससे उनका मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाएगा और वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें हम अपने बेटिंग इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया, फिर हमने 1/2 कप दूध डाल दिया। अब हम इसमें अपनी 1 कप क्रीम, 1 कप सावर क्रीम शामिल कर देंगे और अपने सारे बर्तनों को अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे ताकि कोई भी खतरा ज़ाया ना हो। तो अब हम एक अलग बर्तन में अपने मिक्सचर में ऐड करने के लिए अंडे डाल देंगे। अंडे हमने अलग बाउल में तोड़ लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स हो जाएंगे। चलें आपको एक और एक टिप देती जाऊँ, वो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवन की बेकिंग से ज़्यादा पतीले में अच्छी बेकिंग होती है, इसी तरह आपको एक और टिप दी, वो ये कि आप अपने मफिन्स को मॉइस्ट रखने के लिए फ़ौरन ही एयर टाइट बॉक्स में डाल दें। तो ये दोनों टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास ओवन होगा तो आप बेकिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है फिर भी आप हर बेक चीज़ का मज़ा लुत्फ अच्छे तरीके से ले सकते हैं। उसके लिए आप बस पतीले में मार्बल्स डाल लें। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने चॉकलेट चंक्स, जो कि मैंने चॉकलेट चॉप करके रखी हुई थी, आप इसकी जगह चॉकलेट चिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने डार्क चॉकलेट ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। हमने एक बेकिंग ट्रे में अपने कप के क्लाइनर्स डाल दिए हैं। अब हम इसमें अपना मिक्सचर फिल करेंगे, जो कि तकरीबन 3/4 होना चाहिए। हमने इसको फिल कर लिया और अब हम इसे हमारे तकरीबन 24+ कपकेक्स बन जाएंगे, बड़े साइज़ के मफिन्स। 2 ट्रेस तो मैंने आपके सामने लाइन कर दी। ये हमारी 1/2 ट्रे है, कि पतीले में बहुत बड़ी ट्रे नहीं आ सकती, तो हम इसे छोटी ट्रे, वो जो आपके पतीले में आ सकती है, उसमें डाल के बेक करेंगे। इसे भी हमने आपके सामने फिल कर लिया। और अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल देंगे, जैसे कि इसका नाम डबल चॉकलेट है। तो हमने इसके अंदर भी चॉकलेट डाली, इसके ऊपर भी चॉकलेट डाली।
हमने अपने पतीले का ढक्कन हटाया और इसका टेम्परेचर चेक कर लिया, इतना कि आप 10 तक काउंट करें और आपका हाथ उस हीट को बर्दाश्त कर ले। तो आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, अगर आपका हाथ साइड्स पे लग गया तो जल भी सकता है। फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे कपकेक्स बहुत अच्छे से हैं, इसका स्क्रीवर साफ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर चॉकलेट डाली है जो कि मेल्ट हो चुकी है चंक्स में। तो अभी भी हमने जैसे इसमें स्क्रीवर डाला तो इसके साथ चॉकलेट लगी हुई है। तो हमारे कपकेक्स या मफिन्स बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब हम अपने ओवन वाले मफिन्स को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छे से डन हो चुके हैं। और मैंने इनको झटपट अपने एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है। हमारे मफिन्स, बहुत ढेर सारे मफिन्स रेडी हैं, इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।